everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की और ये जो आज का पैसेज है एक्स रेज पर बेस्ड होने वाला है जहां पर हम एक्स रेज के बारे में जानेंगे जो आपके इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको भी समझने वाले हैं और ये आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का 10th और लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स को कवर कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सो आज ये पैसेज का लास्ट पार्ट है और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले ये जो आपके सामने पैसेज है इसको पढ़कर समझ लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। सो बेसिकली ये एज सच कोई केस नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये एक साइंटिस्ट थे जो कि एक्स रेज पर वर्क कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी इन एक्स रेज की वजह से ही, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्स रेज की वजह से जो फर्स्ट डेथ रहती है तो वो भी ये कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो 1900 के टाइम पर एक आपके साइंटिस्ट थे क्लारेंस डेली, ये सफ़र कर रहे थे रेडिएशन डैमेज की वजह से। उनके हैंड्स में रेडिएशन की वजह से काफ़ी सारा डैमेज हो गया था उनके फेस पर भी, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपने हैंड से वर्क नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि वो राइट हैंडेड थे और उनके हैंड में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो गई थी रेडिएशन की वजह से, तो उसकी वजह से फिर वो बाकी के जो उनकी प्रोसेस वगैरह काम था उनका वो लेफ़्ट हैंड से करने लगे थे, ठीक है। जिसकी वजह से उनका जो लेफ़्ट हैंड था वो भी अफेक्ट होने लगा था अब उनके राइट हैंड से पहले ही। और 1902 में उनका जो लेफ़्ट रिस्ट थी वो आपका अनसक्सेसफुली ट्रीट होने लगी थी, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी। और उनके हैंड में काफ़ी सारे स्किन ग्राफ्ट भी करे गए, मतलब स्किन्स में डैमेज हो रहा था स्किन में, इसकी वजह से उनकी स्किन की ग्राफ्टिंग भी कई बार करी गई थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एक्सरेज का जो डैमेज था वो बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि एक्सपोजर एक्सरे में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसी की वजह से उनका जो लेफ़्ट हैंड था वो एम्प्यूटेड हो गया। एम्प्यूटेड का मतलब होता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका आपके बॉडी से अलग हो जाना, मतलब जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो कट के आपकी बॉडी से अलग हो गई है, ठीक है। तो उनका लेफ्ट हैंड जो था उसको भी अलग कर दिया गया था। देन अल्सरेशन हो गया था उनके राइट हैंड में और एम्पटेशन उनके फोर फिंगर्स में हुआ था। एंड ये जो प्रोसीजर्स हैं वो फेल्ड टू हॉल्ट द प्रोग्रेशन, मतलब जो उनके ट्रीटमेंट चल रहा था और जो इनका एक्स रेज का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से धीरे धीरे इनको कार्सिनोमा भी होने लगा। कार्सिनोमा एक तरह का कैंसर होता है, ठीक है। और एम्पिटेशन की वजह के बावजूद भी उनके जो आर्म्स थे, एल्बो जो थी और जो शोल्डर था उसमें भी धीरे धीरे फिर एम्पुटेशन वगैरह होने लगा था। वो सारी उनकी बॉडी में ओवरऑल कैंसर की कंडीशन बन रही थी और फिर एट लास्ट उनकी डेथ हो गई थी मेडियस्टिनल कैंसर की वजह से, ठीक है। तो आपका एक होमवर्क है, ज़रा इसको सर्च करिएगा कि मेडियस्टिनल कैंसर क्या होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको एक बार रफली समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि मेडियस्टिनल कैंसर क्या होता है। उसके बाद में सो बेसिकली इनकी इसकी वजह से कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो जो क्लेरेंस डेली थे इज थॉट टू बी द फर्स्ट अमेरिकन टू डाई फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद रेडिएशन, रेडिएशन में एक्सपोजर की वजह से उनकी डेथ हुई थी, तो ये ऐसे फर्स्ट अमेरिकन कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा केस था। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस के बेस पर ये जो आपके एक्सरेज होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं इनको। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ रेडियोग्राफ, रेडियोग्राफ क्या होता है। सो जो आपकी फिल्म, कोई भी तरह का फिल्म, फिल्म का मतलब होता है कोई आपका ऐसा सरफेस जिसको एक्सरेज का एक्सपोजर हो रहा है, तो फिल्म एक्सपोज्ड बाय एक्सरेज जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफ। अब यहाँ पर फिल्म ज़रूरी नहीं है कि एक्सरेज से ही रहेगा, वो IR rays भी हो सकती है, UV rays भी हो सकती है, Gamma rays भी हो सकती हैं। फिल्म का मतलब एक तरह से एक सरफेस जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रेज का एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। तो रेडियोग्राफ का मतलब है फिल्म एक्सपोज्ड बाय एक्स रेज। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उससे पहले एक्स रेज, यूवी रेज और IR rays जो होती हैं इनको समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो आपकी एक्स रेज होती हैं इट इज़ यूज्ड टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। जो चीज़ें आपको जनरली नेकेड आइज से नज़र नहीं आ रही होती हैं उनको देखने के लिए एक्स रेज का यूज़ करा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर आप लोग एयरपोर्ट गए होंगे या फिर अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन भी गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की लगेज की चेकिंग होती है, उसके लिए एक पूरा सिस्टम रहता है, आपको उसमें अपना लगेज को रख देना होता है एंड फिर वो आगे जाकर आपको मिल जाता है।
तो अब इसमें बीच में होता क्या है, बीच में आपकी एक जो चैम्बर रहता है उस चैम्बर से, मतलब मान लीजिए कि कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पर आपका चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ पर आपने अपने हैंडबैग को रख दिया, ठीक है। अब ये मूव करता हुआ आगे तक जाएगा और जब इस चैम्बर से पास करेगा तो इस चैम्बर में आपकी एक्स रेस को एमिट करा जाता है जो भी आपके लगेज होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके लगेज के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो क्लियरली नज़र आने लगती हैं, और फिर अगर उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सामान नहीं होता है जो कि आपका इलीगल होता है अंदर ले जाना, उसको अलाउड नहीं होता है, तो फिर आपका निकलवा लिया जाता है। और अगर कुछ सब कुछ सही रहता है तो फिर आपको यहाँ पर आके आपका जो लगेज रहता है वो आपको बाद में मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहता है। तो जो आपके लगेज के चेकिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं वो भी आपकी एक्स रेज ही होती हैं, ठीक है। अब ये जो रहती हैं बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ के लिए जनरली यूज़ करी जाती हैं, और क्विक इंस्पेक्शन अगर किसी चीज़ का चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए एक्स रेज का यूज़ करा जाता है। और यहाँ पर एक फ्लोरोस्कोप को भी यूज़ करा जाता है। फ्लोरोस्कोप बेसिकली जो आपका कैल्शियम टंगस्टेट फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, इस चीज़ का आपका यूज़ करा जाता है ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये आपकी एक्स रेज क्या हुई, एक्स रेज जो आपकी चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट जो आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं उनको देखने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक्स रेज का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है आपकी आईआर रेज। सो आईआर रेज क्या होती हैं, ये एक तरह का फॉल इन स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं उस रीजन में, जो स्पेक्ट्रल रीजन रहता है वहाँ पर जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं उसके बीच में आपकी जो फॉल करती हैं वो रहती हैं आपकी आईआर रेज, और ये आपकी इमिडिएटली जो विजिबल रेंज होती है उस विजिबल रेंज के नीचे आती हैं, ठीक है। अब एक और आपके पास क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बताएंगे कि विजिबल रेंज कितनी होती है, ठीक है। विजिबल रेंज क्या रेंज होती है, कितनी रहती है, तो वो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर रीडली एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इट हैज़ नो फ्लोरोसेंट इफेक्ट्स। जब भी ये जो आईआर रेज होती हैं किसी भी सरफेस पर जाती हैं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और तुरंत से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का फ्लोरोसेंस नहीं आपको नज़र आता है। तो ये एक तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो जाता है। इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स के लिए 100,000 वॉट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का यूज़ करा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईआर रेज के लिए सोर्स क्या हो सकता है, तो वो सोर्स हो सकता है आपका 1000 वॉट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रेड फिल्टर्स का यूज़ करा जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो आपकी विजिबल लाइट है उसको हम फिल्टर आउट कर सकें और सिर्फ जो आपकी आईआर रेज है उसी को परमिट कर सके कि वही हमको नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ आपके रेड फिल्टर्स का भी हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स होते हैं वो आईआर रेज का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपकी आईआर रेज जो रहती हैं मोस्टली आपका जो ऑब्लिटरेटेड राइटिंग होती है, इंक का एग्जामिनेशन होता है, इरेजर्स होते हैं, इरेजर मतलब कि कोई चीज़ लिखी हुई है उसको रिमूव कर दिया गया, या फिर जो आपके चार्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके सबके एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसीलिए कॉमनली जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर होते हैं वो इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग करते हैं, और भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आईआर रेज की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जो आपकी पेंट होता है और जो आपका गनशॉट रेसिड्यू जिसको शॉर्ट में हम जीएसआर कहते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए भी हम आईआर रेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यूवी रेज को समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो यूवी रेज रहती हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करी जाती हैं तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस होता है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो रेडिएंट एनर्जी को रिसीव कर ले, और मतलब जो आपकी एक सर्टेन वेवलेंथ होती है उस सर्टेन वेवलेंथ पर हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक सब्सटेंस की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रेडिएंट एनर्जी को रिसीव करे और आपके अकॉर्डिंगली जो फ्लोरोसेंस है उसको वो शो करे, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब वेवलेंथ आपकी एब्जॉर्ब होती है उसके साथ साथ में जो एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी का जो पोर्शन होता है उसको ये हायर वेवलेंथ में चेंज कर देती हैं, जो कि विजिबल रेंज के बीच में ही रहती हैं, और यही चीज़ आपको फ्लोरोसेंस के फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है। तो ये जो रहती हैं ये आपका एक तरह का रिजल्ट इन विजिबल ग्लो, मतलब ये आपका रिजल्ट होता है इनविजिबल ग्लो का, ये आपका
इन और विजिबल अलग अलग है, यहाँ पे गलती से साथ में हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इनविजिबल ग्लो का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर इसे कन्वीनियंट सोर्स अगर हम देखें तो सोर्स के फॉर्मेट में जो क्वार्ट्ज मर्करी वेपर लैम्प रहती है इसका यूज़ करा जाता है। क्वार्ट्ज मर्करी वेपर लैम्प का यूज़ यूवी रेस के लिए, यूवी रेस के सोर्स के फॉर्मेट में किया जाता है। यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका यूज़ आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन हुआ है या फिर पेपर का एग्जामिनेशन करना है, सीक्रेट राइटिंग है, कोई भी सीलिंग वैक्स है, टीथ है, ग्लास है, फिंगरप्रिंट्स हैं, स्टेन्स हैं, स्टेन्स मतलब अलग अलग तरह के जो आपके डाइज होते हैं, स्टेन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और जो आपके लॉन्ड्री मार्क्स होते हैं या फिर कोई भी आपके जेम्स हैं उनके सबके एग्जामिनेशन के लिए हम यूवी रेज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा फोकस के साथ में पढ़ लीजिएगा कि एक तो ये चीज़ कि किस रेंज में ये ग्लो करती है, किस रेंज में फ्लोरोसेंस शो करती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि विजिबल रेंज के बीच में ही आपका फ्लोरोसेंस को शो करती है। उसके अलावा इसका सोर्स क्या होता है और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं ही, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यूवी रेज में भी आपको सेम ये चीज़ करनी है, एक्स रेज में भी करनी है, आईआर रेज में भी करनी है। एक्स रेज की एप्लीकेशंस मैंने अभी तक नहीं बताई है, उसको आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया है, उसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। इतना हो गया, आगे क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हार्ड एक्स रेज। सो बेसिकली जो आपकी एक्स रेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी हार्ड एक्स रे, दूसरी होती है आपकी सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हार्ड एक्सरे का मतलब है कि कोई भी ऐसी रेज जो किसी भी तरह के सरफेस को पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी हार्ड एक्सरेज होती हैं। दूसरी होती हैं आपकी सॉफ्ट एक्सरेज की, मतलब कि कोई आपकी जो सॉफ्ट सरफेस होती है या फिर जहाँ पर बहुत हल्का एक्सपोजर चाहिए है एक्सरेज का ताकि आपकी जो सरफेस है वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए आपकी सॉफ्ट एक्सरेज यूज़ करी जाती हैं। अब ये अलग अलग क्लासिफाई कैसे करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करा हुआ है, तो जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं इसको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन जो है हार्ड एक्सरेज का कौन सा नहीं है, सो बेसिकली जो हार्ड एक्सरेज होती हैं वो आपकी कोई भी तरह की सरफेस को पेनिट्रेट करने के लिए कैपेबल होती हैं। तो अगर आप जो आपकी डेड बॉडीज होती हैं वहाँ पर आप हार्ड एक्सरेज को आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बॉडी की डेथ हो चुकी है और वहाँ पर ऐसा कुछ भी ये चीज़ नहीं है कि बॉडी को डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप आइडेंटिफिकेशन अगर करना होता है डेड बॉडीज़ का तो वहाँ पर आप हार्ड एक्सरेज का यूज़ कर सकते हैं। सस्पिशियस पैकेजेस मतलब कि ऐसे पैकेज, ऐसा लगेज जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप हार्ड एक्सरेज को यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर उसमें कोई ऐसी भी चीज़ अवेलेबल है जिस पे आपकी सॉफ्ट एक्सरेज जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, तो उसको हार्ड एक्सरेज पेनिट्रेट कर लें। तो इसीलिए आपका हार्ड एक्सरे को यूज़ करा जाता है। काउंटरफिटिंग जो होती है कॉइंस में तो वहाँ भी आपका हार्ड एक्सरेज को यूज़ करा जाता है, लेकिन जो ज्वेलरी का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए हम हार्ड रे का यूज़ नहीं करते हैं। ज्वेलरी के एग्जामिनेशन के लिए हम सॉफ्ट एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ जो आपकी ज्वेलरी एग्जामिनेशन होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए हम हार्ड एक्सरेज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और उससे पहले ये आपकी एप्लीकेशंस दे दी है मैंने यहाँ पर, आपकी जो हार्ड एक्सरेज हैं और जो सॉफ्ट एक्सरेज हैं। हार्ड एक्सरेज के लिए ये सारी हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ समझाने वाली है वो है ये कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है ऐसा आपका लगेज जिसका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है और उस लगेज के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इलीगल है, जिसका आपका अलाउंस नहीं दिया गया है, तो वो इलीगल चीज़ का जब एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारे के सारे आपके हो गए हार्ड एक्सरेज में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। बेसिकली कोई भी चीज़ है, कोई भी तरह का आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी स्ट्रक्चर में अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसको चेक करने के लिए बाकी सॉइल का एग्जामिनेशन, जेम्स, फिंगरप्रिंट्स, ग्लास और गनशॉट वुंड्स मतलब वही चीज़ है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है तो उस कंडीशन में अगर कोई गनशॉट वुंड है तो उसको एग्जामिनेशन के लिए हम हार्ड एक्सरेज का
यूज कर सकते हैं. देन कॉन्ट्राबैंड हो गया, काउंटरफीट कॉइन्स, सस्पिशियस पैकेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज. नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट एक्सरेज की, तो वहाँ पर आपका ज्वेलरी के एग्जामिनेशन में जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं उसके लिए, जो आपके गनशॉट वुंड्स होते हैं, तो गनशॉट वुंड के लिए आप हार्ड एक्सरे को भी यूज़ कर सकते हैं, आप सॉफ्ट एक्सरे को भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक है. उसके अलावा जो सीक्रेट और ऑब्लिट्रेटेड राइटिंग होती है उसकी एग्जामिनेशन के लिए आप सॉफ्ट एक्सरे को यूज़ कर सकते हैं, और पेपर एग्जामिनेशन के लिए भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपके सामने, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे कि हमने पेपर एग्जामिनेशन बताया, ऑब्लिट्रेटेड राइटिंग बताई, सीक्रेट राइटिंग बताया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं और यहाँ पर ये जेम्स भी है, तो ये सारा मैंने आपको इससे पहले जो हमने यूवी रेस पढ़े थे, जो हमने आईआर रेस पढ़े थे, वहाँ पर भी मैंने एप्लीकेशंस में कुछ कुछ आपके मैच हो रहे हैं. तो यहाँ पर जो चीज़ आपकी जिस टाइम पर अवेलेबल होती है आप उस चीज़ का यूज़ करते हैं, और उस पर्टिकुलर एविडेंस की कंडीशन कैसी है उस पर भी कई बार डिपेंड करता है, और उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन आपको डिटरमाइन करनी है उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि कौन सी रेस को या फिर कौन सी एप्लीकेशन आप फॉलो करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक कोई चीज़ का एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन मेथड है, सिर्फ एक ही एक्सरेज का यूज़ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा. अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हार्ड एक्सरे और जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं उसके आपकी एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है लॉन्गर वेवलेंथ, जो कि आपकी लॉन्गर वेवलेंथ जो 4 to 25 किलो वोल्ट रेंज के अंदर आती है, उसमें लेस पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे. सिंपल सी बात है, जब पेनिट्रेटिंग पावर कम है तो मतलब कि आपकी सॉफ्ट एक्सरेज होगी, क्योंकि उनमें पेनिट्रेशन की पावर बहुत कम होती है. तो इसीलिए जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सॉफ्ट एक्सरेज, क्योंकि जो सॉफ्ट एक्सरेज होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है. और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपकी पेनिट्रेशन पावर कम है इसका मतलब वेवलेंथ उनकी लॉन्गर है. वेवलेंथ लॉन्गर है तो किस रेंज में आएगी, ये रेंज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. उसके अलावा इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हार्ड एक्सरेज के लिए. अब यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, लेस पेनिट्रेटिंग पावर है तो सॉफ्ट एक्सरेज हो जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ है, मोर पेनिट्रेटिंग पावर हो गई तो आपकी हार्ड एक्सरेज हो जाएंगी. अब यहाँ पर शॉर्ट आपकी जो लॉन्गर वेवलेंथ है और जो आपकी शॉर्ट वेवलेंथ है, ये रेंज क्या होती है, ये रेंज आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एन IED concealed in a suitcase can be best detected by. IED का मतलब होता है जो आपके explosive devices होते हैं, improvised explosive devices जो होते हैं, वो अगर किसी suitcase में conceal करके छुपा के कहीं export या import करे जा रहे हैं, तो उसको detect करने के लिए आप कौन से तरह के rays का use करेंगे, तो correct answer हो जाएगा hard x-rays. अब ये hard x-rays क्यों इसका answer होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसी surface होती हैं जो आपकी soft surface की जो rays होती हैं ये उनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए हम हार्ड एक्सरेज को यूज़ करते हैं, सॉफ्ट एक्सरेज को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. बाकी जो आपका यूवी रेज है तो ये तो आपकी ऐसी रेज होती हैं जो बेसिकली इल्यूमिनेट करने का काम करती हैं, फ्लोरोसेंस शो करती हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करने के लिए हम हार्ड एक्सरेज को यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पर्सन हु आर इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग एंड आर ट्रांसपोर्टिंग स्मगल्ड गोल्ड kept in a briefcase, which among the following rays are used to detect it. So basically जो smuggled gold होता है, यानी कि अगर कोई gold की illegal exporting या importing कर रहा है, तो उसके लिए आप कौन सी rays use करेंगे, ये अभी मैंने आपको बता रखा था जो हमने application पढ़ी थी. तो obvious ही बात है इसका answer भी हो जाएगा आपका option number 2, that is hard x-rays, जो आपका अगर कोई भी स्मगलिंग कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये गोल्ड ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया है. यहाँ पर गोल्ड की जगह कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि थोड़ा सा हार्ड ऑब्जेक्ट होगा,
तो उसके लिए भी आप यहाँ पर हार्ड एक्सरेज का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से फोकस करके समझ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो वहाँ पर एक्सरेज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे गए हैं, तो इसी वजह से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे जो वेबसाइट है या आपकी लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सारे के सारे जितने भी मैंने पैसेज वाले क्वेश्चंस कराए हैं सबके पीडीएफ जो है सब सारा यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा और बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, एक बार जाके एक्सेस करिएगा, आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है किसी तरह का आपको पेमेंट करना है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ज़रूर से जुड़िएगा, बहुत अच्छा कॉन्टेंट वहाँ भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।